नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो K12X 5G मोबाइल फोन में आप फोटो एंड वीडियो को हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने फोन की गैलरी से किसी भी फोटो या वीडियो को छिपाना चाहते हैं तो दोस्तों वो आप कैसे छिपाएंगे, उसके लिए दोस्तों आपको इस फोन में एक एप्लीकेशन दी जाती है गूगल फाइल, आप उसको यहां से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर ऊपर की थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने पर आपको यहां पर सेव फोल्डर दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां से पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी यहां पर सेट करना चाहते हैं वो दोस्तों आप यहां पर कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर पिन पैटर्न पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो भी पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं आप उसको डालकर नेक्स्ट कर देंगे। दोबारा फिर से वही पासवर्ड कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे और आप यहां से एक स्टेप बैक आ जाइए। अब दोस्तों आप यहां से किसी भी इमेज को छिपाना चाहते हैं तो इमेज वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने सभी फोटोस आ जाते हैं। अब दोस्तों आप यहां से जिस भी इमेज फोटो को छिपाना चाहते हैं आप उसको यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर की साइड 3 डॉट देखने को मिलेंगे, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक फीचर देखने को मिल जाता है मूव टू सेव फोल्डर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो भी पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट किया है आप उस पासवर्ड को यहाँ पर इस प्रकार से डालेंगे। डालने के बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके वो फोटो यहाँ से हाइड हो जाएंगे, यानी मतलब आपके फोटो आपके फोन की गैलरी से छिप जाएंगे। अगर दोस्तों आप किसी भी वीडियो को छिपाना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ से बैक आइए, वीडियो वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए और आपके सामने वो सभी वीडियो आ जाती हैं। अब दोस्तों आप यहां से जिस भी वीडियो को छिपाना चाहते हैं आप उसको यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और आपको यहां पर देखने को मिलता है मूव टू सेव फोल्डर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आपकी और दोस्तों आपने जो भी पासवर्ड यहां पर क्रिएट किया उसको डाल के नेक्स्ट कर देंगे, आपकी वीडियो भी यहां से हाइड हो जाएगी। अब दोस्तों आपको ये फोटो और वीडियो आपके फोन की गैलरी में देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों आपने जिस भी फोटो और वीडियो को हाइड किया है आप उसको अनहाइड करना चाहते हैं या दोस्तों आप उसको देखना चाहते हैं तो दोस्तों वो आप कैसे देखेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको यहां पर सेव फोल्डर पर क्लिक करना है और जो भी पासवर्ड आपने बनाया है आप उस पासवर्ड को यहां पर डाल देंगे। डालने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने वो सभी फोटो और वीडियो आ जाते हैं जो आपने अपने फोन की गैलरी से हाइड किए हैं। अब दोस्तों आप जिस भी फोटो को यहां से अनहाइड करना चाहते हैं आप उसको सामने 3 डॉट देखने को मिलेंगे, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर एक फीचर देखने को मिल जाता है मूव आउट ऑफ सेफ फोल्डर, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके वो फोटो यहां से अनहाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से ओप्पो K12X 5G मोबाइल फोन में किसी भी फोटो एंड वीडियो को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं।